वालों पर धौंस जमाते हैं, कोई पुलिस वाले को धमकाता है तो कोई महिला पुलिस अफसर से उलझ जाता है। बीजेपी पार्षद की बीच सड़क पर दबंगे की तस्वीर अब देखिए। ये यूपी के मेरठ की तस्वीर है। बीच सड़क पर सरेरा पुलिस वाले को धमकी दे रहा ये शख्स बीजेपी का पार्षद है। नाम है आशु रस्तोगी। इसके साथ जो खड़ा है वो इसका बेटा है। पुलिस ने मेरठ के सिविल लाइन इलाके में बेटे को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस रोका और स्कूटी जब्त कर, तो इससे तिलमिलाए बीजेपी पार्षद वहां पहुंचे और अपना सियासी रसूख छाड़ने लगे। पुलिस वाला बार बार यही कहता रहा कि कागज नहीं थे, इसीलिए स्कूटी जब्त कर ली। और पार्षद चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये हाल तब है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि नेताओं को पुलिस और पब्लिक से तालमेल बिठाना होगा, अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। लेकिन सीएम साहब ने क्या कहा, इससे पार्षद पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी तो ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस वाले पर दबंगई दिखाने लगे। बीजेपी पार्षद रौब झाड़ते रहे और पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते रहे। आखिरकार पुलिस वालों को स्कूटी छोड़नी पड़ गई, लेकिन बीजेपी पार्षद इतने पर भी नहीं माने। वो जाते जाते भी धमकी दे रहे थे। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब ट्रैफिक चालान को लेकर इसी तरह यूपी की महिला अफसर श्रेष्ठा ठाकुर और बीजेपी नेताओं की बुलंदशहर में तीखी बहस हुई थी। हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसा से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा के असली है नहीं। आप लोग भाजपा को भी बुरा गुना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगे तो भाजपा के गुंडे। बीजेपी नेताओं की दबंगई के आगे श्रेष्ठा ठाकुर कमजोर नहीं पड़ी तो 10 दिनों के भीतर ही उनका तबादला हो गया। श्रेष्ठा ठाकुर को बुलंदशहर से बहराइच भेज दिया गया और ये तब हुआ जब बीजेपी विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की शिकायत की थी। मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आपका सब तक मैं वहाँ खड़ी हूँ। नहीं अगर आप 307 कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा और ये 50 तब भी चढ़ने वाली नहीं हूँ। सवाल है कि वर्दी वाले अपना काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या बीजेपी नेताओं को इस तरह रौब झाड़ने का सर्टिफिकेट मिल गया है? ये बीजेपी के वो नेता हैं जो योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। मेरठ से रजनीश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीजेपी पार्षद के किसी जानने वाले का चालान कटा तो नेताजी भड़क गए। आखिर लोगों के समझने के लिए तैयार क्यों नहीं होते कि सड़क पर जो हेलमेट पहनना जाता है वो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ती है तो देखिए कैसे बहानेबाजी करते हैं, चालान से बचने के लिए कैसे एक के बाद एक झूठ बोले चले जाते हैं। गाजियाबाद की सड़कों पर जब हमने रियलिटी चेक किया तो ज्यादातर लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं पहन रखा था। जब ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका तो लड़कियां अजीबोगरीब बहाने बनाने लगी।
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक करीब 80% लड़कियां ऐसी हैं जो बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाती हैं। जब हमने ऐसी ही कुछ लड़कियों से सवाल किए तो बहाने भी एक से बढ़कर एक। लगाना जरूरी नहीं क्या? ऑफिस में थी, मेरी दीदी का फोन आया, ठीक है, गाजियाबाद में दीदी रहती है, ठीक है, उसने तो ठीक है, ठीक है, उसके काम होते कभी कभी सब बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना कितना घातक होता है उसकी तस्वीर अक्सर सामने आती रहती है। लेकिन इन लड़कियों को कौन समझाए जो इसे भी किस्मत से जोड़ देती है। जल्दबाजी में आपको नहीं लगता कि बिना हेलमेट के अगर आपको सब कुछ हो जाए तो जल्दबाजी जो आपसे सब लेकर ऊपर वाला साथ है, ऊपर वाला तो तब है ना, हमारा जो काम है पूरी गलती हो गई, गलती पुलिस की माने तो ऐसी महिलाओं और लड़कियों के साथ ज्यादा सख्ती से भी पेश नहीं आ सकते क्योंकि कुछ मजबूरियां भी होती हैं। गाजियाबाद में 80% महिलाएं और युवतियां ट्रैफिक कानून को नहीं मानती। जी हां, ये खुलासा गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक ने खुद किया है। इस वक्त हम गाजियाबाद की ही सड़क पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें राजनगर एक्सटेंशन की दिखा रहे हैं। जो भी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई उसमें जो महिलाएं और युवतियां हैं वो ट्रैफिक कानून मानती हुई नहीं दिखाई दी हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे ये महिला स्कूटी पर है और इन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कई तरह के बहाने बनाती हैं, वो बहाने भी हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। हमारी यातायात कर्मी वैसे भी महिलाओं के प्रति कुछ न कुछ जो है किया जाता है। भोपाल की इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर पुरानी है लेकिन आपको आगाह करने वाली है। ये लड़का बगैर सामने देखे बाइक मोड़ने लगता है, तभी तेज रफ्तार कार उससे टकरा जाती है और लड़का हवा में कई फीट ऊपर उछलने के बाद जमीन पर गिर पड़ता है। सड़क हादसे में इस लड़के की मौत हो गई। ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं, कभी गाजियाबाद, कभी मेरठ, तो कभी भोपाल। हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि मेरठ में अगर पुलिस वाले ने बगैर कागज के बीजेपी पार्षद के बेटे को रोका तो उसमें क्या गलत किया। गाजियाबाद में हेलमेट पहनने से बचने के लिए लड़कियों के बहाने कितने सही हैं। पुलिस की माने तो टीनेजर्स को ट्रैफिक रूल का पाठ पढ़ाना बेहद जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा हादसों का शिकार अगर कोई होता है तो वो युवा वर्ग है। वैसे भी महिलाएं जो है यातायात नियमों के प्रति जो है सतर्क भी है। भारत में हर रोज 400 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में पुलिस वालों की सख्ती से ज्यादा जरूरत खुद की जिंदगी को लेकर सतर्क रहने की है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ प्रशांत शर्मा, इंडिया न्यूज भोपाल। मैं लगा रहा हूँ।